पलट के दो बार गिरा था, क्योंकि हेलमेट बहुत ही जरूरी है। जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, शायद ही भाई मेरा सर बचता। ये हेलमेट भाई का है, वेगा बोल्ट बनी और मिरर वाइजर के साथ। भाई कितना सही लग रहा है। हेलमेट की भी एक स्टोरी है। अच्छा, तो हेलमेट की बता रहा हूँ ना, फिर वहाँ पर 800 रुपए का एक O2 लोकल हेलमेट आता है भाई। इस समय उस टाइप का पता है, मुझे हेलमेट की उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी कि हेलमेट मतलब इतने अच्छे प्राइस में इतने अच्छे हेलमेट मिलते हैं। तो मैंने भाई मैं सीधा 800 वाले पे शिफ्ट हो गया। अगर उस टाइम मुझे पता होता कि बनी आता है तो बनी, लेकिन कितने का पड़ा था ये वाला? ये हेलमेट भाई मुझे पड़ा था 1500 रुपए का। 1500 रुपए का हेलमेट पड़ा था ऑनलाइन। अब तो यार 2000 कुछ करीब पहुंच चुका है ऑनलाइन भाई। 2500 रुपए मिरर वाइजर के साथ लोगे तो 2200 कुछ ऐसे रेट ऑनलाइन है भाई। वो अगर आप आफ्टर मार्केट जाओगे अभी भी भाई, तुम लालबाग अगर चले जाओ, रेस डायनेमिक्स पे मिल जाएगा। रेस डायनेमिक्स शायद मिल जाए, लेकिन वहाँ शायद कॉस्टली मिले। लेकिन लालबाग में तुमको यही चीज भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को भी, मैंने भी ऑनलाइन यही देखा था। वो अचानक से मेरे एक दोस्त है, मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया था, मुझे एक हेलमेट लेना था। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि ये वेगा बोल्ट बनी पर शिफ्ट हो सकते हो। इसका लुक भी अच्छा। एक स्टील बर्ड का एक हेलमेट आता है, एक बहुत ही अच्छा हेलमेट होता है शायद भाई के पास। मेरे पास वो वाला इसी टाइप का शायद हेलमेट है। हाँ, इसी टाइप का वो हेलमेट है। तो वो मैं हेलमेट सोच रहा था पहले, लेकिन फिर उसके बाद में वो किसी के पास देखा तो मन हट गया। तो फिर उसके बाद में मैंने भाई ये बनी देखा, और बनी का मुझे एक कलर आता है, एक बिल्कुल ही नियॉन आता है। हाँ। वो बहुत ज्यादा नियॉन लग जाता है बाइक के हिसाब से भाई, स्पोर्ट्स बाइक वगैरह पे ज्यादा थोड़ा सा ठीक है। ये जैसे यहाँ पे येलो लाइन है तो इस पे भी है भाई, क्योंकि देखो यार थोड़ा हेलमेट पुराना हो गया, इस वजह से थोड़ा गंदा हो गया। नया में तो बहुत सही चमक, नए में तो भाई बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हेलमेट चल रहा था, मजा आ रही थी भाई। और अभी तक हेलमेट चल रहा है, और हेलमेट भाई सच बता रहा हूँ, ये हेलमेट इतना फायदेमंद है ना मेरे लिए। अगर मेरे पास अभी O2 होता, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, शायद ही भाई मेरा सर बचता। भाई ये सच बता रहा हूँ, हेलमेट गाड़ी से जब मेरा एक्सीडेंट हुआ भाई, मैं पलट के दो बार गिरा था, और ये हेलमेट भाई मेरे सर से निकला नहीं, और इस वजह से मेरे हर जगह भाई चोट लगी है। लेकिन सर बच गया भाई का। सिर्फ हेलमेट की वजह से सर बचा। तो भाई मैं तो बिल्कुल बोलूंगा कि एक हेलमेट, और हेलमेट अच्छी क्वालिटी का भले ही आप 1500, और अगर आप अफोर्ड कर पाए तो राइडिंग ग्लव्स जो आते हैं स्टील बट के, वो प्रो बाइकर वाले आप मत लीजिएगा, वो उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। जो स्टील बट के 500-600 के आते हैं वो जरूर बाय कर सकते हैं आप। तो भाई मैं यही बोलूंगा कि अगर भाई आप 2000-1500 रुपए तक अफोर्ड कर सकते हैं हेलमेट, तो भाई बिल्कुल करिए, क्योंकि हेलमेट बहुत ही जरूरी है। और अगर नहीं कर सकते तो बढ़िया कंपनी में 1000-1200 तक का तो ले ही लीजिए, जैसे कि मेरा स्टील बट वाला भाई, वो उस टाइप के भी आते। बस ये होता है ना कि अपने अपनी एक फैंसी लुक होता है भाई, मुझे एक फैंसी लुक चाहिए था, मेरा बजट था, वो आपके बजट। बाइक भी आ गई थी अभी स्पोर्टी टाइप की, थोड़ी वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपका बजट है तो बिल्कुल चाहिए, नहीं है तो भाई 1000-1200 के भी हेलमेट आते हैं, और अच्छे हेलमेट आते हैं। ऐसा नहीं बस ये कि उसमें आपको ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे, नॉर्मल हेलमेट होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो मेरे हिसाब से 800-700 रुपए के जो मार्केट में हेलमेट मिलते हैं, और खासकर 250-300 वाले, तो उन पे ना जाए। उन पे तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, रोड साइड पे तो बिल्कुल। 1000-1200 के आप लोकल, मतलब लोकल नहीं यार, एक कंपनी के हेलमेट पर चले जाइए तो आपका ही फायदा है उसमें, हमारा कुछ फायदा नहीं है। हम तो बस आपको बता रहे हैं कि हमारे किस तरीके से इस पे शिफ्ट हुआ। और ऑनलाइन आपको, अगर आपको ये हेलमेट लेना है तो ऑनलाइन आपको ये काफी महंगा मिलेगा, 2500-2600 रुपए तक दिखाएगा। लेकिन अगर आप शायद इसको आफ्टर मार्केट में जाकर पता करेंगे तो 1500-1600 तक ये हेलमेट आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत। तो भाई सीधी सी बात की अगर हेलमेट लेना है तो ऑनलाइन की बजाय एक बार ऑफलाइन कंसिडर कर लीजिए, ऑफलाइन मार्केट में देख लीजिए। तो जैसे कि भाई का हेलमेट के साथ भी एक्सपीरियंस बढ़िया है।